पंजाब की कांग्रेस सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों एक बार फिर विवादों में गिर गए हैं और विवादों में गिरने की वजह भी कुछ खास है। दरअसल इस बार वो अपने बयान को लेकर नहीं बल्कि एक फोटो को लेकर ज़्यादा चर्चा में हैं। दरअसल पड़ोसी मुल्क के सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव गोपाल सिंह चावला ने सोशल मीडिया पर सिद्धू की एक तस्वीर साझा की है। फोटो में कांग्रेस नेता पड़ोसी मुल्क के झंडे वाली पगड़ी के साथ दिख रहे हैं। हालांकि सावधानी से जांच करने पर यह पता चला है कि ये फोटोशॉप फोटो है, लेकिन सिख समुदाय के लोग सादी पगड़ी पहनते हैं। गोपाल सिंह चावला ने तस्वीर साझा करते हुए लोगों से भी इसे साझा करने के लिए कहा। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ऐसा करके खबरों में बने रहना चाहता है। गोपाल सिंह चावला को कुछ सिखों ने सोशल मीडिया पर ट्रॉल भी कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क के पीएम इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जब सिद्धू जनरल बाजवा को गले लगाने और गोपाल सिंह चावला के साथ फोटो खिंचवाने के बाद आलोचनाओं का शिकार कर रहे थे, तब भी बवाल हुआ था। गोपाल सिंह चावला के साथ फोटो खिंचवाने का मामला तब तूल पकड़ा था जब सिद्धू ने कहा था कि उनको नहीं पता था और पड़ोसी मुल्क के हजारों लोगों ने उनकी तस्वीर खींची थी। सिद्धू ऐसे समय पड़ोसी मुल्क गए थे जब भारत के कई तनावपूर्ण संबंध सामने आ रहे थे। दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शपथ ग्रहण में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था और सिद्धू को भी यात्रा रद्द करने की सलाह दी थी, लेकिन सिद्धू नहीं माने, वो दोस्ती निभाने पहले चले गए। गोपाल सिंह चावला को कई दहशतगर्दियों का करीबी भी माना जाता है। गोपाल सिंह चावला बेहद सुर्खियों में रहता है और ये कई साजिशें भी रचता है, लेकिन इस पगड़ी को लेकर एक बार फिर सिद्धू विवादों में गिर गए हैं। वैसे भी विवादों का जो साथ है वो छूट नहीं रहा है सिद्धू का। जिस तरह से पंजाब सरकार में उन्होंने उथल पुथल मचा रखी है, अब सवाल उनकी डिग्निटी पर भी है। एएनपी न्यूज रूम से दीपक चंद की रिपोर्ट।